तो भाई नई नवेली गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट, आज तारीख कुछ भी नहीं हुई, आज तारीख है भाई 28 तारीख को सुबह सुबह का एक्सीडेंट है। देख लो, सुबह सुबह मैं गाड़ी को लेके निकला था यार नॉर्मली रोड पे, और बाइक वाला स्कूटी वाला आया और उसने काम खराब कर दिया, जो पूरा ORVM होता है ना उसको पलटा दिया है। और अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ पे पूरे स्क्रैचेस दिख रहे होंगे, तो वो काम इसने यहाँ पे भाई कर दिया बुरी तरह। अब दोबारा से शोरूम आया था, उन्होंने मेरे को बोला कि आप क्लेम मत लो भी, पहले हमारे पास आओ, हम कोशिश करते हैं कि गाड़ी को हम खुद ही सही कर दें, बट उनकी कोशिश नाकाम रही फिलहाल तो यार। और गाड़ी का हाल आप खुद ही देख सकते हो, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी 2 दिन भी नहीं हुए गाड़ी को निकाले हुए शोरूम से, भाई बाइक वाले स्कूटी वाले इन्हें चलानी आती नहीं। भाई देखो, बाइक मैं भी चलाता हूँ बट बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से चलाता हूँ, और ये सोच के चलाता हूँ कि जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं कोई ऐसा काम ना करूँ कि गाड़ी वाले को मेरी वजह से दिक्कत हो। तो वो चीज़ें हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये पैथेटिक सिचुएशन है। अब मैं जा रहा हूँ पास वाले नेक्सा के अपना सर्विस सेंटर में, वहाँ देखते हैं वो क्या करते हैं। अभी उन्होंने मेरे को शोरूम वालों ने बोला अभी क्लेम मत लेना सर, आप नई गाड़ी है, कोशिश करो कि मैकेनिक बिना क्लेम प्रोसेस के आपकी ये जो गाड़ी है वो रिपेयर कर दे 100-200 रुपये लेके अपने आप, और अगर नहीं होता है तो फिर आप हमें बताना, हम आपको अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर भेजेंगे। ये भी ऑथराइज ही है बेसिकली, जहाँ पे इनकी खुद की जान पहचान है ये वहाँ पे आपको भेजेंगे हमें, और वहाँ से थोड़ा सा ये रिगार्ड्स रखते हुए हमें क्लियर कहा कि यार आप अभी डिलीवरी वहाँ पे अपना क्लेम प्रोसेस के लिए मत जाओ, क्योंकि मैंने सुबह सुबह मैसेज किया था कि यार अब क्या करूँ इसका, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि भाई क्लेम के लिए अभी मत लो, और अभी इसका जो भी उपाय है उन्होंने अभी खुद तो कोशिश करके देखी बट वो ज़्यादा ही पीछे की तरफ चले गया, पूरी जान लगाने के बाद भी वो हो नहीं रहा सही। तो अब वही है कि यार क्या कर सकते, अब जाता हूँ जो इन्होंने मेरे को जहाँ पे बोला है, और देखते हैं वहाँ पे वो क्या मैकेनिक कहता है और क्या नहीं। भाई आया था मैं यहाँ पर जहाँ पे मेरे को बताया गया था फटाफट आने के लिए, और इसमें यही हुआ कि भाई वो बोल रहे हैं कि या तो ये झटके से टूट जाएगा या तो झटके से ये बच जाएगा, तो वही ज़बरदस्ती करने वाली बात है। मारी जोर की है उसने बिल्कुल गाड़ी जो स्कूटी थी, और ये पूरा टूट गया ना, इसकी वजह से आगे आ नहीं रहा। अब वही कह सकते हैं कि यार अब जो नज़र थी नई गाड़ी के ऊपर वो टल गई, और इस छोटी सी चीज़ ने उसको टाल दिया। नहीं तो अब यही होता है कि यार ये नज़र बड़ी बुरी चीज़ होती है, और लगी तो देखो नज़र ही है, चाहे मेरी लगी हो चाहे लोगों की लगी हो किसी की भी लगी हो, बट हाँ अब नुकसान तो हो गया है। अब क्लेम का प्रोसेस उन्होंने वही बताया सारा पेपर वर्क करके, 3 दिन बाद ये ORVM लग पाएगा इसके अंदर अगर मैं क्लेम लेता हूँ, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब क्लेम लेते हैं, देखते हैं कि क्लेम लेके क्या प्रोसीजर बनता है, और नई गाड़ी पे इतना बड़ा डैमेज होना दुख देने वाली चीज़ हो जाती है कभी कभी। तो इस वीडियो को मैं 2-3 पार्ट में शॉर्ट बना के एक ही बार डालूंगा जब तक ये पूरा चीज़ जो है रिजॉल्व नहीं हो जाती, और मारुति के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है पहली बार क्लेम लेने का वो चीज़ें भी पता चल जाएंगी। तो भाई जैसे कि पता होगा कल की फुटेज में मैंने आपको बताया कि मतलब 2 दिन 48 घंटे हुए थे मुश्किल से गाड़ी को शोरूम से निकाले हुए, और 48 घंटों में ही मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बड़ी चीज़ कुछ छोटी चीज़ में टल जाती है। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई, पहली बार लाइफ में हुई कि मतलब मैं वो बंदा जो कि काफ़ी ध्यान से संभाल के गाड़ी चलाने वाला था, और पर्टिकुलरली गाड़ी मैं बहुत आराम से चला रहा था रोड पे, 28 तारीख का सुबह सुबह का टाइम था यार, मन किया चलो गाड़ी निकाल के जाना था कहीं, तो मैंने कहा वहाँ होके आ जाता हूँ, गाड़ी में ही चले जाता हूँ, गाड़ी आ गई है तो गाड़ी निकाली, नॉर्मली रोड पे चल रहे थे यार जैसे चलते हैं। और नई गाड़ी को लेके तो यार हर कोई अपनी नई गाड़ी को लेके, जिसकी गाड़ी को सिर्फ 48 घंटे 2-3 दिन का टाइम हुआ हो मुश्किल से, वो बहुत तमीज़ से बहुत आराम से पेशेंसफुली चलता है सड़क पर। बट जब कहते हैं ना कुछ होना होता है, कुछ बड़ा होना होता है, और वो कुछ छोटे में टल जाता है, तो वही मेरे साथ भी हुआ। मेरी नई की नई गाड़ी का जो ORVM था वो टूट गया था, इससे पहले वाली फुटेज अगर आपने देखी होगी तो ये जो था पूरा का पूरा पीछे की तरफ चले गया था, और जो मेजर इम्पैक्ट था गाड़ी के ORVM पे वो इसके पर्टिकुलरली इस साइड आया था। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे ना तो ये जो स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं बेसिकली, तो इस साइड पूरा इम्पैक्ट गाड़ी के ORVM ने लिया, और टचवुड जो टू व्हीलर था वो नीचे की तरफ कोई इम्पैक्ट दे के नहीं गया पर्टिकुलरली। अगर आप देखें तो पूरी बॉडी लाइन क्लीन एंड चिट है, बट जो ORVM था वो भाई बुरी तरह डैमेज हो चुका था। कोशिश करी शोरूम वाले को, पास में गया मैं सुबह सुबह मैसेज किया 10:30 बजे के करीब कि यार सर ऐसे ऐसे हो गया है और अब क्या करूं मैं, तो उन्होंने कहा एक बार आप हमारे पास लेके आओ शायद हम इसी को बिना क्लेम के ठीक कर दें। मैं उनके पास गया, आपने फुटेज देखी होगी, मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पा रहा था, एक तो सर दिमाग सब ख़राब हो जाता है यार जब ऐसा कुछ इंसिडेंट अचानक से हो जाता, वो भी नई नवेली गाड़ी पे, और उसके लिए बहुत ज़्यादा एक वो सर वाला सर दर्द वाली चीज़ हो जाती है यार, जिसको गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और गाड़ी से वो अपनी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसमें से मैं एक हूँ। और जो कार लवर है ना वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा
इफेक्टिवली देखेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा दुख होता है जब गाड़ी ठुकती है, ज़रा सी भी चोट लगती है। तो वही चीज़ हुई, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक था उस सिचुएशन में, और बस मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करा कि अगर 1% आपको एक ग्लिम्स तो दे पाऊँ हुआ क्या मेरे साथ। तो वो चीज़ हुई, गाड़ी का ORVM पूरा मुड़ गया, शोरूम वालों ने हाथ खड़े कर दिए, वो कर भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा था यार एक बार आप आ जाओ हम ट्राई करके देख लेंगे। वहाँ से उन्होंने मेरे को नियरेस्ट मारुति के सर्विस सेंटर पे भेजा, मैं वहाँ गया, वहाँ पे जो मैनेजर था वो आए बाहर निकल कर, अटेंड बहुत अच्छे से किया, इस मामले में मारुति को थम्स अप है यार, मतलब रियलिटी में शोरूम ने भी गाड़ी देने के बाद, और अननोन सर्विस सेंटर जिसमें मैं कभी गया नहीं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा एक ट्रीटमेंट मेरे को दिया। कस्टमर अगर परेशान है तो उन्होंने उनको प्रॉपर सलाह दी मेरे कहने पे। पहले तो मैनेजर ने क्लियर ही बोल दिया कि भाई ये क्लेम में ही जाएगा, बट फिर मैंने अपने मेरे कहने पे उन्होंने स्पेशली अंदर से 2 हेड टेक्नीशियंस को बुलाया, उन्होंने क्लियर मेरे को ये समझाया कि भाई अगर इसको हम आगे करेंगे बहुत जान लगा के तो या तो ये ठीक हो जाएगा या तो ये लटक जाएगा। तो मैंने उन्हें मना कर दिया उस मोमेंट पे, मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ से निकल आया, मैं वापसी घर आया, मैंने शोरूम पे फिर जो मेरे एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने मेरे को बोला था क्लेम लेने से पहले मेरे से बात ज़रूर करना क्योंकि अभी नई गाड़ी है, अभी क्लेम मत लो इस छोटी सी चीज़ का। तो उन्होंने फिर मेरे को यही बोला कि एक बार आप आफ्टर मार्केट पता करो, नियरेस्ट कोई आपके पास मार्केट हो कार मार्केट जहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग बॉडी शॉप का बेसिकली काम होता है, कोई बढ़िया सा मैकेनिक हो या इलेक्ट्रीशियन हो जिसको प्रॉपर ही काम आता हो। मैंने कॉन्टैक्ट किया, पता किया, और पता करने के बाद एक मिल गया मेरे को बंदा जिसने मेरे को बोला कि हाँ ये ठीक हो जाएगा बट आपको ये खोल के मेरे को देना पड़ेगा। और मैंने दोपहर को 3 बजे इसको खोल के दिया था, उस टाइम भी मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया और वहाँ पे मैंने उसको खोल के दे दिया। वो खोलने के बाद मुझे 6:30 बजे के करीब मेरे घर पे ला के इसने फिटिंग कर दी इसकी, बहुत तमीज़दार तरीके से डोर पैड खोला। अगर मैं डोर पैड आपको दिखाऊँ ना तो पता भी नहीं चल रहा है सच कि इसके अंदर डोर पैड ये प्रॉपर खुला था, प्रॉपर नहीं खुला था, मतलब एक ये जो कपलर था ना ORVM का वो खोलने के लिए थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला था इन्होंने, सारे नट्स खोले, कोई क्लिप नहीं तोड़ी, कुछ नहीं हुआ, पूरा पैक दोबारा से कर दिया उसने, काम बहुत अच्छा किया उसने। और मात्र 800 रुपये के खर्चे में ये मेरा जो ORVM है, जो कंपनी कह रही थी कि भाई ये तो पूरा का पूरा आपको चेंज कराना पड़ेगा, वो बच गया चेंज होने से, और फाइनली जो गाड़ी है दोबारा से साफ़ सुथरी हो गई। टचवुड ये चीज़ अच्छी थी कि इसके कैप के ऊपर कोई निशान नहीं आया था। हाँ कल को मेरे को इसके अंदर कुछ एक चीज़ करवानी थी, उसके बाद ही निशान छुप जाता, बट जब तक मैं वो मॉडिफिकेशन इसके अंदर नहीं करवाता वो निशान मेरे को दिखता। अभी तो एक निशान जो है वो हमेशा रहेगा इसके ऊपर, ये अंदर की साइड वाला, तो वो तो चलो यार कोई नहीं, एक नज़र बट्टू भी बन गया। बट जो चीज़ होती है ना, कहते हैं नज़र एक बहुत बुरी चीज़ है, पूजा करवाई थी गाड़ी की बट अपनी नज़र भी कभी कभी लग जाती है लोगों के साथ, तो वही चीज़ हुई, गाड़ी अच्छी लग रही थी, गाड़ी पसंद आ रही थी, फैमिली के अंदर बहुत पसंद करी गई थी गाड़ी, पेरेंट्स की तरफ से और सबकी तरफ से ही, और मेरे को भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। बट वही कहते हैं ना, छोटी मोटी ये चीज़ें नज़र लगने का कारण होती हैं, और वही हुआ जो गाड़ी के अंदर नज़र लगी। अभी तो चलो 1000 रुपये की फाइल चार्ज मेरे को शायद वहाँ पर भी देना पड़ता है इंश्योरेंस क्लेम में, वो चीज़ मैंने 800 रुपये में बाहर से ही करवा ली और गाड़ी को बिना क्लेम के सही करवा लिया, कोई वायर कटिंग नहीं हुई है यहाँ पे, मैं क्लियरली बोलता हूँ। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ खोल के उसको थोड़ा सा सीधा किया था और प्रॉपर दोबारा से पैक करके लगा दिया, टेस्ट मैंने कर लिया था, प्रॉपर ये वर्किंग कर रहा है। तो इसी के साथ एक चीज़ मैं यही बोलूँगा कि यार नई गाड़ी लेके चल रहे हो ना तो और केयरफुल चलो, क्योंकि भाई ये 2-व्हीलर, ये टैक्स, ये जो स्कूटी बाइक वाले हैं ना, ये बिल्कुल ही इतनी गंदी चलाते हैं, और ख़ास करके दिल्ली जैसे शहर के अंदर ना, ये बैटरी रिक्शा जब से चल गए हैं ना, इन्होंने बहुत बड़ा नाश पेल दिया है दिल्ली का, क्योंकि ये कोई मैनेजमेंट नहीं रखते, ये कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, कोई लाइसेंस इनके पास प्रॉपर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, अनएजुकेटेड पीपल्स, मतलब जिनको कुछ पता ही नहीं है रोड सेंस क्या होती है, रेड लाइट क्या होती है, उनको इन्होंने रिक्शा प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है यार, मैं किसी के रोज़गार पर लात नहीं मारना चाहता, बट कुछ रेगुलेशन सरकार को लाने चाहिए, कुछ रूल एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन इनके लिए भी लाने चाहिए, क्योंकि अगर रोड पर आप चल रहे हो तो दुर्घटना का कारण ये लोग बन सकते हैं एक बिना कसूर वाले गाड़ी वाले के लिए, क्योंकि जिसका कोई कसूर नहीं, मैं अपनी गाड़ी लेके नॉर्मली ब्रेक मारी, आगे ट्रैफिक था, वो पीछे से आया मेरी बाइक लेके, उसने मेरी ORVM तोड़ दिया, वो भाग गया, उसके बाद मैं जब तक बाहर आया उस पैनिक सिचुएशन में, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं चला ये अचानक से हुआ क्या, क्यों हुआ, और उतना पैनिक था मैं, वो उतने में भाग भी गया, तो मतलब रियलिटी में वो तो चले गया बट वही चीज़ हो गई कि मेरे ऊपर इतने बड़ा बर्डन छोड़ गया, क्योंकि नई नवेली गाड़ी, अब रियलिटी में क्या हो रहा है ना, इस गाड़ी को चलाने में भी डर लग रहा है सड़क पे, और ये चीज़
सच में होती है जब किसी गाड़ी का नई गाड़ी लेके आप लिख लो और उसका कुछ चोट एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी माइनर उसके अंदर डैमेज हो जाए ना, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सर के अंदर टेंशन हो जाती है कि यार इसको चलाने में भी सड़क पे डर लग रहा है। बाकी अब धीरे धीरे डर हटेगा, बट फिलहाल के लिए तो भाई बोलूँगा कि छोटे में निपट गया, छोटे में बच गया, और भला हो उसका जिसने मेरे को 800 रुपये में इसको प्रॉपरली ठीक करके दे दिया बिना कोई मेजर खर्चे के। और नहीं तो भाई कंपनी में जाता तो मुझे पता चला था या तो 5-6 हज़ार रुपये का बिल बनाना था उन्होंने, या तो भाई दोनों चेंज करते तो 15 हज़ार रुपये का बिल बनाना था मारुति जो नेक्सा क्या बोल रहा हूँ मारुति सर्विस सेंटर वालों ने, तो वो चीज़ मुझे एग्जीक्यूटिव ने बताई, तो वो चीज़ें हैं। बट भाई अभी तो छोटे में निपट गया टचवुड, बट आज के बाद तो और भाई थोड़ा सा ध्यान से चलाना इन बाइक वालों से। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और इतनी सारी वीडियो डालनी थी कहाँ मैं एक्सीडेंट वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब वही चीज़ होती है कि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें होनी होती हैं, वो हो जाती हैं, आप होनी को रोक नहीं सकते। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है डिलीवरी और PDI वीडियो, जिसने नहीं देखी जाके देख लो। और ऐसी और अभी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आते रहेंगे ग्रैंड विटारा के, क्या इसके अंदर है, क्यों मैंने लेनी है, क्यों मैंने यही गाड़ी ली, ये वाली वीडियो प्रॉपरली आनी थी बट ये एक्सीडेंट हो गया, मेरा माइंड पजल हो गया तो उसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। बट हाँ, अब मैं प्रॉपरली अपलोड करूँगा वो वीडियोज़ भी। बट फिलहाल के लिए बताना ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप कार लवर हो तो ये मेरी जो बातें थी उनके साथ आप जस्टिफाई होते हो या नहीं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।